बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। हम खड़े हैं बोरी मोहल्ले में, जहाँ पे हमारे साथ में लोग मौजूद हैं। 19 सितंबर को 2019 में जो बोरी मोहल्ले में जो बवाल हुआ था और दुकानदारों को जो है खींच खींच के निकाला जा रहा था, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानते हैं आखिर में क्या उनके साथ में हुआ था, क्या नहीं। SBUT, यहाँ की पुलिस और भी कई लोगों ने इनके साथ में जो दादागिरी किया था, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आपका नाम? शब्बीर भगत सरावाला। शब्बीर जी, क्या बताना चाहोगे 19 सितंबर 2019 के बारे में, जो यहाँ पर बोरी मोहल्ले के अंदर जो बवाल मचा हुआ था और लोगों को खिंच खिंच के दुकानों से निकाला जा रहा था, दादागिरी की जा रही थी, इस बारे में क्या जानकारी दोगे? मेरी बोरी मोहल्ले में दुकान है जमाली ग्रीन स्टोर्स के नाम से। मुझे 24 आवर्स की इवेक्शन आई थी, मैं मिलने भी गया था उन्होंने, तो ट्रस्टी वहाँ का, मैं ट्रस्टी से बात किया था, ट्रस्टी वहाँ का बोल रहा है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं बोला किसके हाथ में, तो बोले ट्राइकून, इसका नाम तेजून है, उसके हाथ में है। तो अभी हमारी मुलाकात तो वहाँ हो ही नहीं सकती, तो आप हमारे को, अगर आप कुछ भी बात करना चाहते हो तो उसको एम्प्लॉई से बात करना पड़ता है। अभी एम्प्लॉई जितना जवाब नहीं दे सकता, चलो हम भी समझते हैं, तो आप उठ के तो आओ, कम से कम हमारे से ग्रीवियंस हमारा सुनो तो सही, कुछ सेटल करके बात करते ना। अभी जो इवेक्शन करवाए, मतलब फोर्सफुल इवेक्शन जिसको बोलते हैं, तो हुआ तो है, चलो हो गया, मेरा सब फिनिश ऑफ कर दिया। आज मैं 6 दिन से बिना रोजी का हूँ, कुछ भी नहीं है मुझे, बस मेरा माल भी किधर है, आज तक आज 6 दिन हो गया, मेरे को कुछ मालूम ही नहीं मेरा माल किधर रखा है, ना माड़ा बता रही है, ना पुलिस को मालूम है, ना SBUD कुछ मेरे को अप्रोच कर रही है कि भाई तुम्हारा माल, और मेरा माल है ग्रेन्स, मतलब अनाज का, चावल घी दाल फ्रीज था मेरा 3, तो क्या हुआ है मुझे आज तक अभी कुछ नहीं मालूम, और मेरे को नहीं लगता क्योंकि मेरा माल सर्वाइव होगा अभी, कुछ भी सब डैमेज टोटली होगा, मतलब एक इंसानियत होनी चाहिए, कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए। आज अपने मेरे को ग्राउंड लेवल पे तो लेके आ गए ना, बाकी आगे पूछो तो सही भाई कि क्या हुआ है, तुम अभी क्या कर रहे हो, तो छोड़ो हो तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन तुम्हारा माल ताबा भी नहीं लिया, मेरा कुछ सिग्नेचर कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम, मतलब मेरा कोई, मतलब प्रॉपर्टी मेरा क्या खाने का इरादा है तो मेरे को बोल दो, तो मेरे को समझ में आवे, ऐसा क्या आपको क्या करने का है तो कुछ तो बताओ मुझे। आज 6th दिन, आज 6th day, कुछ नहीं है, उल्टे का मेरे पे FIR डाल दिया माड़ा वाले ने, और वहाँ माड़ा वाले के ऑफिसर से भी हमारी बात हुई, मैं और मुतुजा भाई साथ में ही थे, तो वो भी एक ही बात बोल रहा, हम माड़े से हमारा काम ही है, बाकी तुम SBUD से बात करो। अरे तो तुम माड़ा SBUD खिला रहे हो, आके बैठो के बात तो करो, कोई कुछ सेटल तो निकलेगा ना, कुछ तो बीच का हल निकलेगा ना, लेकिन कोई बात करने को राजी नहीं है। कितने लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया गया था आप लोगों में से? हम लोग को 13 जन को लेके गए थे अंदर, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल जो हमारे, जिसको मैं, जो मेरे को अच्छी तरह पहचानते, एसोसिएशन वाले भाई मोहम्मद भाई करके, सब आए थे हमारे, मेरे हेल्प के लिए, क्योंकि उनको मालूम है मेरा ग्रीवियंस वही था जो मेरा हक का है कि मुझे परमानेंट अकोमोडेशन बना के दो और मुझे ग्राउंड फ्लोर पर दुकान दो, और कब दोगे वो मेरा पूरा हक है, कब भी दोगे आप बना के ग्राउंड फ्लोर पर दो परमानेंट अकोमोडेशन, बस ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती। अभी आपको लग रहा है कि भाई मैं पैसा मांग रहा हूँ कुछ ज़्यादा, 20 करोड़ 30 करोड़, जो अफवाह फैल रही है, तो प्लीज़ ये कुछ भी है ही नहीं, अगर कोई है बंदा तो आके सामने मेरे को बतावे, प्रूफ बतावे कि मैंने 20 करोड़ 30 करोड़ मांगा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा खाली एक ही मांग है परमानेंट एकोमोडेशन लेटर, और मुझे ग्राउंड फ्लोर दो और मुझे कब दो, जो मेरा का जानने का अधिकार मेरा पूरा है, बस यही वजह से अब जो मेरी हालत है बस वही, इसकी वजह से ही है, और अभी तक मेरे को कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी किधर का भी सपोर्ट नहीं मिला, उल्टा मैं बोल रहा हूँ आपका FIR, और उसमें परेशान हूँ, चौकी वकील वही चल रहा है सर। आज हम भी बहुत से जगह जाते हैं और देखते हैं कि ना ही तो पुलिस और ना ही तो कोई और लोग भी इतना खिचमतानी करके किसी को ऐसा दुकान से नहीं निकलते हैं, ठीक है, तो आखिर में यहीं ये सब बवाल क्यों ऐसा हुआ, मतलब क्यों ऐसा इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती से आप लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा था खिंच के? तो वही सवाल हम लोग ने माड़ा वाले का जो ऑफिसर मिस्टर काले का, उनको वहाँ ही पुलिस के सामने ही, उनके पास भी एविडेंस होंगे, उसके बाद भी वीडियो होगा, हम तो वही पूछे, लेकिन हमारे एक भी सवाल का जवाब दे, अभी तक मेरे को बोल रहे आपको ट्रांसिट में मिल गया, जब तक हालांकि मुझे बताया जाना चाहिए कि ट्रांसिट कैसा है, आप जाके देखो ये ट्रांसिट आपको समझ में आ रहा है, उतना तो मेरा राइट है, तो वो नहीं, वो टाइम पे जब इवेक्शन के टाइम पे मिस्टर मनदीप जो एम्प्लॉई है वो आके मेरे को बोलता है चलो मैं अभी तुम्हारे को बता देता हूँ ट्रांसिट, व्हाट इज इट, और ट्रांसिट भी कंप्लीट नहीं है, सबसे बड़ी बात ट्रांसिट जरा भी कंप्लीट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में बोला इलेक्ट्रिसिटी मीटर है तो बोलता है नहीं हम प्रोवाइड कर देंगे, प्रोवाइड मतलब वो जंपिंग जो है उसमें से प्रोवाइड करेंगे, सॉरी यार अब ये सब इल्लीगल तो मेरे से समझ में नहीं है, हालांकि ये मुर्तजा भाई को ज़्यादा नॉलेज है, वो बोल रहे कि बिना ट्रांसिट कंप्लीट के लिए वो लोग मेरे को इवेक्शन करवा ही नहीं सकते,
बराबर, तो वो तो हो ही नहीं रहा। चलो दूसरा वो लोग ऑप्शन देते हैं रेंट का। अब रेंट मेरे को 250 रुपये दे रहे, अच्छा वो लोग बोलते हैं कि हम लोग किसको अप डाउन मतलब कम जास्ती नहीं कर रहे, हम लोग भेदभाव नहीं कर रहे। और मेरे पास प्रूफ है कि दूसरे को 500 रुपये दिया है, एंटिक वाले मतलब चोर बाजार को 400 रुपये दिया, तो मेरे को 250 रुपये क्यों? वजह बताओ ना आप, वजह बताओ ना। मेरे पास तो प्रूफ है, मैं बता दूंगा कि दिया है। खुद माड़ा वाला अपने ऑर्डर में लिखता है और माड़ा वाला दे आर नॉट ट्रीटिंग यू डिफरेंशियली। हाँ, और माड़ा वाला मिस्टर काले को भी मैंने ये बात किया, तो माड़ा वाला मिस्टर काले मालूम है क्या बोल रहा है, वो गाड़ी छूट गए तो छूटने दो, अब दूसरी गाड़ी में व्हाट इज दिस, ये कोई इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते यार। मतलब माड़ा तो मेरे को लगता है कि वो SBUT के बिहाफ पे आया मेरे पास, वो भी SBUT की ऑफिस में बैठ के मेरे से मीटिंग कर रहा है। जब वेनसडे 4 सितंबर जब पूरा पानी भरा हुआ था, तो काले साहब को मैंने फोन किया, अभी मुहर्रम चल रहा था तो कोई ट्रस्टी कोई भी यहाँ नहीं था, जब मेरे को इवेक्शन की नोटिस आई थी तो तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं बोला सर से रिक्वेस्ट करूँ कि कुछ मेरे को फ़ायदा हो जाए। तो मैं सर को 3 तारीख को फ़ोन किया, सर बोला आज बारिश है, तो चलो 4 तारीख को वापस फ़ोन किया, तो सर बोले मैं आपको फ़ोन करता हूँ, सर यहाँ मेरे को फ़ोन करें मिस्टर काले की बात करो। वो मुझे फ़ोन किया कि भाई आप आ सकते हो, बोला सर किधर, तो बोलता मैं SBUT के ऑफिस में हूँ। तो मैंने सर को यहाँ तक बोला कि मैं आप मेरी दुकान पे आ जाओ ना, तो बोलता नहीं मैं आपकी दुकान, हालांकि SBUT के बाजू में ही है मेरी दुकान, तो बोलता है नहीं आप SBUT के ऑफिस में हो। तो मेरे को भी थोड़ा शॉकिंग हुआ कि भाई SBUT के ऑफिस में बोला, बोला मेरा काम हो रहा है ना, मेरा कोई मतलब नहीं, मैं जाके चले गए SBUT के ऑफिस में, उनसे बात किया। लेकिन वहाँ जो बात किया मैंने, ऐसा ही लग रहा मेरी सुनवाई तो है ही नहीं, वो वहाँ खड़े खड़े मेरे को बैठे बैठे वहाँ मेरे को बोला 24 की नोटिस मेरे हाथ में ही, तो अभी अभी साइन कर, मतलब व्हाट इज दिस, मतलब आपके ऊपर प्रेशर किया जा रहा था आपका बोलने का मतलब है। वहाँ के वहीं साइन कर, बोला सर मैं साइन नहीं करूँगा, आप पोस्ट से भेजो। और दूसरे दिन 5 तारीख को मेरे को ये नोटिस आ गया 24 के, मतलब ये क्या है, मेरे को ग्रीवियंस तो मेरा सुनने को ही राजी नहीं है, बोल तो कोर्ट में जाओ कोर्ट में जाओ कोर्ट में जाओ। हम छोटे आदमी है सर, कि हमारे को कोर्ट में पैसा भी इतना नहीं है अपने पास के कोर्ट में जाने के लिए। बहुत अहम चीज़ है भाई, शब्बीर की दुकान जिस बिल्डिंग में है, तकरीबन 1200 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, शब्बीर की दुकान 360 स्क्वायर फुट है, उसके बाजू में ही SBUT का किचन है, वो आज भी मौजूद है। अगर उनको जगह की इतनी ही ज़रूरत थी तो उन्होंने अपनी जगह क्यों नहीं खाली की? अभी तक शब्बीर की पूरी जगह को डिमोलिश कर दिए, पूरा रैनसैक कर दिए, उसे बर्बाद कर दिए, बाजू में आज भी किचन उन लोगों का चालू है और उसके बराबर बाजू में SBUT की ऑफिस है। तो अगर उनको इतनी ही जगह की ज़रूरत है तो SBUT की ऑफिस क्यों नहीं खाली कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर बैंक ऑफ इंडिया है। अब बैंक ऑफ इंडिया को जब तक वो लोग बराबर जगह नहीं देते, वो बैंक तो हटने वाली नहीं है। अब वो गवर्नमेंट अपना कैसा बराबर करती है, इंश्योर करती है, बराबर सिक्योर करती है? और अगर इसको ये बोलते कि इसके अकेले की वजह से पूरा प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया है, मतलब आपका बोलने का मतलब यही है कि सबको एक नज़र से ही देखना चाहिए। और वो लोग जो है मतलब हाँ उनकी खुद की जगह लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा, ठीक है ना। आइए हम और भी एक भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर है। जहांगीर साहब अब क्या बताना चाहोगे? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि सेफी बुरानी अपलिफ्टमेंट जो अपलिफ्टमेंट रखा है, तो मुझे तो अपलिफ्टमेंट कोई लग ही नहीं रहा है कि अपलिफ्टमेंट हो रहा है इधर। और इनके इनके जुल्म और सितम इतने बढ़ गए, इनके पास जब कंसर्न आ गए, पहले जो सपने दिखाए, ये दिखाया वो दिखाया, सपने में दिखा के सब जितने भी यहाँ के टेनेंट थे उन्होंने अपना कंसर्न दे दिया। जब कंसर्न आने के बाद 80% 90% हो गया तो अपनी दादागिरी चालू कर दिया SBUT ने, कि 91 का नोटिस किया जारू के जारी किया 1976 के अंदर के, ये हम खाली करवा सकते, ये कर सकते, इविक्शन करवा देंगे। सर मतलब ये जिसका शब्बीर भाई का भी जो दुकान खाली करवाया, हमने खाली उनसे मांगा था एग्रीमेंट पेपर मांगा था, और बाहर इसके अगेंस्ट में सब बाहर हमको गुंडा ये बोल रहे, गुंडे गुंडे लोग ये प्रोजेक्ट में बाधा डाल रहे, पर ये सब नॉनसेंस जैसी बात करके हमारे साथ हमारे समाज में उल्टा चेहरा हमारा नज़र दिखा रहे हैं वो लोग, जो जो कि मतलब ये अभी माडा और SBUT ये दोनों मिलके क्या गेम खेलना चाह रही है, हमारी दुकान खाना चाह रही है, देंगे बाद में फ्यूचर में देंगे कि नहीं हमको ये भी नहीं मालूम, ये प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं ये भी नहीं मालूम। अभी सर इसके ज़्यादा मैं क्या बता सकता हूँ उनको। सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि जहांगीर भाई एक बात ये पूछना था हमें कि सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि यहाँ के कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो उसके बारे में कुछ सौदे भी चालू है, इस बारे में कितनी हकीकत है ये बारे में बताइए। सौदे मतलब सौदे अंदर के अंदर क्या क्या करते हैं हमको कुछ मालूम होता नहीं है। अंदर सेल होता है, कितने में किसको कितना दिया, इमदादियों को कितना दिया, GR पर्दा वालों को क्या दिया, ये अंदर के अंदर ओपन नहीं करते लोग। और अभी जो शब्बीर भाई की जो दुकान जैसे खाली करवाया ना इन्होंने,
अभी उन्होंने मनदीप नाम का एक आदमी है, वो अभी सब गलियों में घूम रहा है, दुकानदारों को डरा रहा है। मैं एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास सब कंप्लेन आ रही है दुकान वालों की कि भाई हमको डराया जा रहा है कि अभी चार दिन में आपको खाली करना पड़ेगा, आपको दो माले जाना पड़ेगा, अगर अभी आ जाओगे तुम, अभी आते हो तो हम तुमको पहले माले पे देंगे, नहीं तो फिर आपको दो माला जाना पड़ेगा। 95 का इविक्शन का नोटिस आया, समरी नोटिस आया, तो आपको दो माले पे जाना ही पड़ेगा। ये कौन सी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं सर? ये मतलब एक गुंडागर्दी, एक आदमी को भेज रहे हैं, डरा रहे हमको, ये सब क्या चल रहा है सर? और एक मिस्टर काले के बारे में बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी सर। मेरे एसोसिएशन से, मेरे मेम्बरों से मुझे कंप्लेन भी आई थी कि हम लोग गए उनके पास में, हम लोग बोला हमारा बिजनेस ये है, हमारा बिजनेस दो माले पे कैसे, एक माले पे कैसे चलेगा? तो बोलते मिस्टर काले, उनको जो राइट नहीं बोलने का ये एसबीटी की तरफ से बोल रहे, एक काम करो भाई, आप अपना नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर दो। एक नेचर ऑफ बिजनेस मिस्टर काले हमको बता रहे। तो हमने बोला भाई, मैंने मेरे एसोसिएशन के मेम्बर से दुकानदार को बोला कि तुमको भी बोलने का था, आप भी अपना डेजिग्नेशन चेंज कर दो, आप डेजिग्नेशन कर, आप कुछ भी है दूसरा काम कर लो ये वाला। तो मतलब इस तरह से हमको मैनिपुलेट कर रहे हैं वो लोग कि हम लोग यहाँ से परेशान होकर खाली करके चले जावे। और देखो पहले माला दूसरा माला जाने से तो मतलब हम लोग हत्या कर ले तो अच्छा, हमारा हम सुसाइड कर ले तो अच्छी हमारी, वहाँ कुछ बिजनेस चलने वाला नहीं। बॉम्बे या इंडिया बोलो, बॉम्बे तो छोड़ो, इंडिया में मॉल सक्सेस है ही नहीं। आज कितने मॉल बंद पड़े हुए, बॉम्बे के अंदर कितने मॉल बंद पड़े हुए जहाँ वो सक्सेस होता ही नहीं। यहाँ कौन सा सक्सेस हो जाएगा सर? यहाँ कौन भिंडी बाजार का एरिया, यहाँ पर आएंगे लोग नीचे नीचे आके चले जाएंगे। यहाँ आज की बॉम्बे की लाइफ कैसी है आपको मालूम है, झट लिया आप नीचे जहाँ मिलेगा उसके हमारे पहले मिलेगा, वहाँ से सामान लेके चला जाएगा। तो पहले माला दूसरा माला कौन आएगा सर? और हम तो ये वाले, हमारा पहला हक बनता है कि हमको पहले नीचे मिलना चाहिए, तो हमको फिर ऊपर क्यों भेजा जा रहा है? मेन क्या है, आपको जो बेचना है हमको बताओ, चलो नीचे क्यों नहीं दे रहे हमको, उसका रीज़न तो बताओ, हमको लेआउट बताओ, पर वो बताने को तैयार ही नहीं है। मतलब ये अंदर से इतनी गुंडागर्दी होगी क्योंकि क्यों हो रही है? गवर्नमेंट साथ में पूरा सपोर्ट कर रही है, उनको हर तरह से सपोर्ट कर रही है, तो ये नाइंसाफी हो रही है। किन लोगों के साथ में, जो यहाँ एसबीटी क्लस्टर में जिसकी दुकान है उन लोगों के साथ में पूरी नाइंसाफी, 100% नाइंसाफी हो रही है। बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना यह है कि एसबीटी और बीएमसी और माड़ा की दादागिरी कब तक चलती है लोगों के ऊपर यहाँ पर बोरी मोहल्ले में, इसके बारे में फिर पता चलेगा। बॉम्बे प्रेस के साथ अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।